हेलो एंड वेलकम बैक टू ऑल डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू करियर प्लैनेट। तो बच्चों, हम चैप्टर स्टडी कर रहे थे पी ब्लॉक एलिमेंट्स। लास्ट में हमने ग्रुप 16, ग्रुप 17 कंप्लीट कर लिया था। ग्रुप 17 में हमने क्लोरीन पढ़ लिया था, क्लोरीन बनाने की विधियाँ, क्लोरीन की प्रॉपर्टीज, क्लोरीन की इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन, एंड आफ्टर दैट हाइड्रोजन क्लोराइड पढ़ लिया था। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे हैलोजन के ऑक्सी एसिड, ठीक है, हैलोजन के ऑक्सी अम्ल, हैलोजन के ऑक्सी एसिड। तो बच्चों, हैलोजन जो है वो चार प्रकार के ऑक्सी एसिड्स बनाते हैं, ठीक है। अगर मैं हैलोजन की बात करूं तो हैलोजन चार प्रकार के ऑक्सी एसिड यानी कि ऑक्सी अम्ल बनाते हैं, ऑक्सी एसिड या ऑक्सी अम्ल बनाते हैं। कौन कौन से? तो देखो, सबसे पहला जो हैलोजन का एसिड है दैट इज हाइपोहैलस एसिड, ठीक है। तो हम कहेंगे ओके, हाइपोहैलस एसिड। हाइपोहैलस एसिड है ना, जैसे तुमने सुना हो हाइपोक्लोरस एसिड, ठीक है, उसी तरह से हाइपोहैलस एसिड। सेकेंड है बच्चों हैलस एसिड, हैलस अम्ल। थर्ड वन है हेलिक अम्ल, हेलिक एसिड। और फोर्थ है पर हेलिक एसिड, ठीक है। तो पर हेलिक एसिड। अब जब तुम हाइपोहैलस एसिड की बात करोगे तो तुम्हें हाइपोफ्लोरस एसिड भी मिलेगा, तुम्हें हाइपोक्लोरस एसिड भी मिलेगा, तुम्हें हाइपोब्रोमस एसिड भी मिलेगा और हाइपोआयोडस एसिड भी मिलेगा। चारों हैलोजन हाइपो एसिड तो बनाते, ठीक है। लेकिन जब तुम हैलस एसिड की बात करोगे तो फ्लोरीन का तो कोई हैलस एसिड नहीं होगा, हेलिक एसिड भी नहीं होगा, पर हेलिक भी नहीं होगा। जब तुम हैलस एसिड की बात करोगे तो तुम्हें सिर्फ क्लोरीन का हैलस एसिड मिलेगा यानी HClO2, ठीक है, ये नहीं है, ये नहीं है। लेकिन जब तुम हेलिक एसिड की बात करोगे तो तुम्हें क्लोरीन का हेलिक एसिड मिलेगा HClO3, ब्रोमीन का भी एसिड मिलेगा HBrO3, और आयोडीन का भी हेलिक एसिड मिलेगा HIO3। और अगर हम पर हेलिक एसिड की बात करते हैं तो क्लोरीन छोड़ दो, बाकी सब में तुम्हें मिलेगा, तो हम कहेंगे पर क्लोरिक एसिड HClO4, प्रबलतम एसिड, जितने भी आज तक तुमने पढ़े हैं ना, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है। फिर पर ब्रोमिक एसिड भी मिल जाएगा और पर आयोडिक एसिड भी आपने सुना है ना, ये आयोडिक एसिड, ये पर आयोडिक एसिड HIO3 और HIO4, ठीक है। तो भाई फ्लोरीन तो हम कहेंगे इसमें तो संयोजक का विस्तार होता नहीं है, डी कक्षक है नहीं, तो फ्लोरीन का कोई एसिड हमें नहीं मिलेगा एक के अलावा, हाइपोफ्लोरस के अलावा, बाकी सबके मिलेंगे। अब जनरली ये एसिड जो होते हैं ये जलीय विलयन में स्थाई है या लवण अवस्था में स्थाई है, इंडिविजुअली हम इनको अलग अलग सेपरेट नहीं कर सकते। सॉल्ट में आपको मिल जाएगा सोडियम आयोडेट, सोडियम पर आयोडेट, पर अकेले इसको अगर सेलेक्ट करें तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। अब हम क्लोरीन के एसिड्स को डिस्कस करें तो पहला था HOCl, हाइपोक्लोरस एसिड, HClO2, HClO3 और HClO4 पर क्लोरिक एसिड। तो हाइपोक्लोरस, क्लोरस, क्लोरिक और पर क्लोरिक, ठीक है। अब इनमें हम क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेते हैं। तो देखो, क्लोरीन को एक्स मान लूँ तो एक हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन -2, क्लोरीन को x मान लिया तो बच्चे यहाँ पे x बराबर 1 आया। तो हाइपोक्लोरस एसिड में क्लोरीन की ऑक्सीकरण अवस्था 1 है। देन क्लोरस एसिड की बात करें तो बच्चा क्लोरस एसिड एक हाइड्रोजन एक, क्लोरीन को x मान लेते हैं, ऑक्सीजन -2 होता है, 2 से मल्टीप्लाई कर लो तो x 3 आया। अब तुम्हें पता है ऑल्टरनेट चलता है हैलोजन की ऑक्सीकरण अवस्था 1 3 5 7, तो 1 तो आएगी, 3 भी दिख रही है, ठीक है। अब यहां चले HClO3 में तो 1 + x - 2 × 3 = 0 एंड x = 5। और अगर मैं HClO4 की बात करूं तो 1 + x - 2 × 4 तो x = आपके पास आ जाएगा, इधर लिख देती हूँ 7। तो क्लोरीन की ऑक्सीकरण अवस्था इनके हैलोजन अम्ल में है 1 3 5 और 7। अब आपने पढ़ा है कि अम्लीय सामर्थ्य केंद्रीय परमाणु की ऑक्सीकरण अवस्था के समानुपाती होता है।
केंद्रीय परमाणु की ऑक्सीकरण अवस्था जितनी ज्यादा होती है अम्लीय सामर्थ्य उतना ही ज्यादा होता है। तो बच्चों ये सवाल नीट जेई बोर्ड सब में आ चुका है, क्लोरीन के ऑक्सी अम्ल का अम्लीय सामर्थ्य। तो हमें ये सबसे तेज पड़ेगा पर क्लोरिक एसिड, उसके बाद मिलेगा क्लोरिक एसिड, आफ्टर दैट क्लोरस एसिड और लास्ट में हाइपोक्लोरस एसिड। क्लियर? तो ये है अम्लीय सामर्थ्य का क्रम, क्लोरीन के अलग अलग एसिड और उनका एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर। अब आपसे कहा जाए कि आप ऐसा करो इनका स्ट्रक्चर ही बना लो, है ना, क्लोरीन के ऑक्सी एसिड्स का स्ट्रक्चर बना लो। तो बना लो, पहले में क्लोरीन की ऑक्सीकरण अवस्था एक थी, एक ही बॉन्ड बनाना है HOCl, ये आपका क्लोरस अम्ल है, ठीक है। फिर ऑक्सीकरण अवस्था आपकी तीन आ रही थी तो तीन बॉन्ड बनवा लो, डबल बॉन्ड और OH, है ना, ये HClO2 है, ठीक है, सॉरी ये हाइपोक्लोरस अम्ल है, है ना, और ये क्या है तो हम कहेंगे क्लोरस अम्ल है। देन ऑक्सीकरण अवस्था हमारी पांच आई थी तो भाई क्लोरीन पांच बॉन्ड बनाएगा तो दो डबल बॉन्ड बना लो, एक OH, तो ये क्लोरिक अम्ल है। और फिर ऑक्सीकरण अवस्था हमारी सात आई थी तो सात बंद बनने हैं तो तीन डबल बॉन्ड हो, छह और एक साथ, तो बच्चे ये परक्लोरिक अम्ल है, ठीक है, परक्लोरिक अम्ल है ये, ठीक है। तो ये आपके क्लोरीन के ऑक्सी एसिड, कोई डाउट नहीं यहाँ तक, ठीक है। फिर हम कहेंगे चलो ये तो ऑक्सी एसिड हो गया, मान लो एग्जाम में आ जाए HOF, HOBr, HOI, है ना, इनमें तेज कौन पड़ रहा है, HOCl, तो इनमें प्रबल है HOF क्लोरीन की उच्च विद्युत ऋणता के कारण, फिर HOCl, फिर HOBr और फिर HOI। मान लो तुमसे ऐसा सवाल पूछ ले कि भाई अम्लीय सामर्थ्य बताओ, है ना, अम्लीय सामर्थ्य का क्रम बताओ, ठीक है, अम्लीय सामर्थ्य का क्रम किस में बताएं, तो हाइपो वाले केस में HOF, तो ये सबसे तेज पड़ेगा, फिर HOCl, चारों होते ना ये तो HOBr और फिर HOI, इसको भी याद रखेंगे, ठीक है। उच्च विद्युत ऋणता के कारण फ्लोरीन ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, वो प्रोटॉन छोड़ देगा, कोई डाउट नहीं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बच्चों इंटर हैलोजन कंपाउंड, अंतरा हैलोजन यौगिक, ठीक है। अब देखो इंटर हैलोजन, इंटर मतलब बिटवीन और हैलोजन फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, तो दो अलग अलग हैलोजन के बीच में बंद बनाने से जो द्विअंगी यौगिक बनता है, बाइनरी कंपाउंड बनता है, उसे अंतर हैलोजन यौगिक कहते हैं, ठीक है। तो भाई दो डिफरेंट हैलोजन, दो भिन्न भिन्न हैलोजन से बना द्विअंगी यौगिक तो हम कहेंगे अंतर हैलोजन यौगिक। अब देखो चार तरह की ऑक्सीकरण अवस्था थी तो ये भी चार प्रकार का होगा, तो बच्चों ये चार प्रकार के होते हैं, ठीक है। अब इंटर हैलोजन कंपाउंड चार प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, तो पहला है AX टाइप, AX प्रकार के इंटर हैलोजन कंपाउंड, है ना, अंतर हैलोजन यौगिक, ठीक है, AX टाइप। दूसरा तो हम कहेंगे AX3 टाइप, AX3 प्रकार के अंतर हैलोजन यौगिक। तीसरा तो हम कहेंगे AX5 प्रकार के अंतर हैलोजन यौगिक, और चौथा तो हम कहेंगे AX7 प्रकार के अंतर हैलोजन यौगिक। अब A क्या है और X क्या है, वैसे तो X X डैश कर लो, लेकिन A इसलिए बता रही हूँ कि देखो जैसे AX ClF, IF, है ना, AX3 ClF3, BrF3, IF3, AX5 IF5, है ना, BrF5, AX7 तो IF7, ClF7, इस तरह से। तो तुमने देखा F साइड में ही रह रहा है, तो F तो वैसे भी संयोजकता बढ़ाने से रहा, A की संयोजकता होती है ना, तो हम कहेंगे कि यहाँ पे A जो है, यहाँ पे A जो है वो तो है कम विद्युत ऋणी हैलोजन, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव हैलोजन, A जो है बच्चे वो तो है कम विद्युत ऋणी हैलोजन, है तो दोनों ही हैलोजन, A भी हैलोजन है और X भी हैलोजन है, लेकिन A तो कम वाला है और X क्या है, तो X जो है वो उच्च विद्युत ऋणी या अधिक विद्युत ऋणी हैलोजन है, दोनों हैलोजन, ठीक है। तो भाई चार प्रकार के अंतर हैलोजन यौगिक हो गए AX, AX3, AX5 और AX7, ठीक है। अब अगर हम बात करें वन बाय वन इनको डिस्कस करें कि भाई AX प्रकार के बताओ,
ठीक है, तो देखो एक प्रकार के अंतर हेलोजन यौगिक को डिस्कस करते हैं, एक प्रकार के इंटर हेलोजन कंपाउंड। तो आप उदाहरण बता दो, तो हम कहेंगे इसका उदाहरण ए और एक्स के बीच में बॉन्ड नहीं तो बनाना है, तो सी एल एफ हो सकता है, आई एफ हो सकता है, ये इसके उदाहरण हो जाएंगे। ठीक है ना। अब देखो सी एल कम विद्युत ऋणी है और एक्स तो हम कहेंगे ज्यादा विद्युत ऋणी है। अब सी एल एफ तो भाई कलरलेस गैस है, और बी आर एफ भी हो सकता था, एक और ले लेते हैं भाई सी एल एफ, तो ये आपका रंगहीन गैस है, ठीक है, एग्जिस्ट तो कर ही जाएगा। बी आर एफ तो ब्रोमीन, थोड़ा आपको पता है रेडिश ब्राउन होता है, तो ये हल्की भूरी गैस है ना। जेई में से कलर वाले क्वेश्चन में फंस जाते बच्चे, भाई ब्राउन फ्यूम्स NO2 की ब्राउन फ्यूम्स थी, ब्रोमीन गैस की ब्राउन फ्यूम्स थी, फिर बी आर एफ, यहाँ बच्चा अटक गया था, ये तो कोई पढ़ा ही नहीं, तो ये भी याद रखना इसकी भी लाइट ब्राउन फ्यूम्स आएगी। ठीक है, ये कलरलेस है। ओके, तो ए एक्स में तो कोई दिक्कत नहीं था हमारे को। नेक्स्ट तो हम कहेंगे ए एक्स थ्री प्रकार के। अब ए एक्स थ्री प्रकार के अंतर हेलोजन यौगिक उदाहरण दो, तो बिल्कुल, तो हम कहेंगे देखो ए एक्स थ्री में उदाहरण लिख देते हैं सी एल एफ थ्री है ना, आई एफ थ्री, ठीक है, तो सी एल एफ थ्री क्लोरीन ट्राई फ्लोराइड, आई एफ थ्री लिख दो, बी आर एफ थ्री लिख दो। ठीक है, अब वेस्पर सिद्धांत के अनुसार इनका थियरी वगैरह समझाओ, इनका स्ट्रक्चर समझाओ। तो बच्चे सी एल एफ थ्री में तुम ध्यान से देखो, सी एल जो है वो तीन तो बॉन्ड बना रहा है, एक थ्री सोच लो सी एल एफ थ्री कुछ भी ले लो है ना, मैं एक बताऊँ दूसरा आ जाए तीसरा आ जाए आंसर सेम रहेगा। तो हम कहेंगे हाँ ठीक है क्लोरीन तीन बॉन्ड बना रहा है, तो क्लोरीन हैलोजन है, हैलोजन के बाह्यतम कोश में सात इलेक्ट्रॉन होते हैं, तुम कह रहे हो तीन बॉन्ड बना रहा है, तो तीन तो काम आ गए, पीछे कितने बचे, तो मैं कहूँगी सात में से तीन गए चार बचे, तो बेटा चार मतलब दो लोन पेयर है ना, असहभाजित इलेक्ट्रॉन्स को क्या कहते हैं, लोन पेयर कहते हैं। ठीक है, तो हम कहेंगे अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, लोन पेयर है। अब ठीक है, तो इसमें बताओ बॉन्ड पेयर कितना है, लोन पेयर कितना है, तो मैं कहूँगी बॉन्ड तो तीन नजर आ रहे, बंधन युग्म कितने हैं तो तीन, लोन पेयर कितने हैं तो दो, टोटल कितना है तो पांच, तो संकरण में कितने कक्षक भाग लेंगे, तो भाई तीन और दो पांच है ना, तो संकरण में पांच कक्षक भाग लेंगे, पहला एस फिर पी थ्री फिर डी, तो संकरण में भाग लेंगे पांच कक्षक, पहला एस फिर पी 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 और डी, तो इसमें संकरण एस पी थ्री डी, सवाल बनेगा ध्यान रखना। ठीक है, अब पूछे कि नहीं तुम ऐसा करो इसकी ज्योमेट्री समझा दो भाई है ना, इसकी ज्योमेट्री बताओ, तो हम कहेंगे ठीक है भाई बता देते हैं ज्योमेट्री, तो सी एल एफ थ्री की ज्योमेट्री बताओ, तो तुम्हें एस पी थ्री डी का बेसिक ढांचा तो बताइए, तो हम कहेंगे हाँ एस पी थ्री डी का बेसिक ढांचा क्या था, त्रिकोणीय और द्विपिरामिडीय। ठीक है, सेंटर एटम कौन है, तो हम कहेंगे सी एल है। अब एस पी थ्री डी में टोटल पांच बंद होते, मैंने पांच बता दिया भाई, ये एक्सियल और ये इक्विटोरियल है ना, अक्षीय और विषुवतीय। ठीक है, अब कॉन्सेप्ट लगता है, बैंड थ्योरी लगती है कि जब आपको इस तरह के स्ट्रक्चर में लोन पेयर रखना हो तो वो आपको इक्विटोरियल पोजीशन, मतलब आपको लोन पेयर यहाँ रखना है, एक और है तो यहाँ रखना है, एक और होता तो वहाँ रख लेते। ठीक है, फिलहाल मेरे पास तीन फ्लोरीन है, तो एक जगह ये है, एक जगह ये है और एक ये है, तो अगर तुम ध्यान से देखो तो तुम्हें ये टी आकार नजर आएगा बच्चे है ना, ये आपको क्या नजर आएगा, टी शेप नजर आएगा, थोड़ा अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो आपको लगेगा ना यहाँ ये टी आकार है, तो ठीक है लग तो रहा है कि ये टी आकार है ऐसा। ठीक है, तो आपको बताना है इसका शेप, तो आप कहेंगे टी शेप ज्योमेट्री, टी आकार की ज्यामिति, टी शेप ज्योमेट्री, टी आकार की ज्यामिति, तो ये हो गया आपका सी एल एफ थ्री। ओके, आफ्टर दैट हम बात करें ए एक्स हो गया, ए एक्स थ्री हो गया, ए एक्स फाइव की बात करें है ना, तीसरा क्या था, ए एक्स फाइव था, ए एक्स फाइव प्रकार के अंतर हैलोजन यौगिक, मतलब सेंट्रल एटम ए है, साइड एटम जो है वो एक्स है। उदाहरण तो हमने पढ़ा था, बहुत सारे उदाहरण हैं, हम सबसे पहले आई एफ फाइव लिख सकते हैं है ना, बी आर एफ फाइव लिख दो। ठीक है, अब सेंट्रल एटम देखो आई है ना, और कम विद्युत ऋणी जो है वो हम कहेंगे सेंटर में, और बाकी तो है,
तो ठीक है, आई एफ फाइव लिख दिया, बी आर एफ फाइव लिख दिया। अब आपसे कहेंगे नहीं आप तो इसकी ज्योमेट्री समझाओ, बॉन्ड पेयर, लोन पेयर सब समझाओ। तो हम कहेंगे ठीक है देखो आई है, पहले तो इसे रफली बना लेते हैं, आई है कितने बॉन्ड बना रहा है, तो हम कहेंगे ये बना रहा है पांच बॉन्ड, पांच बॉन्ड। अब हेलोजन के बाह्यतम कोश में सात इलेक्ट्रॉन है, पांच बॉन्ड तो बन गए, पीछे बचे दो तो एक लोन पेयर। ठीक है, अब हम बात करें कि बॉन्ड पेयर कितने, बंद कितने हैं, तो बॉन्ड पेयर पांच है, लोन पेयर एक है, टोटल कितना है, तो बच्चे टोटल है छः, छः मतलब छः कक्षक संकरण में भाग दिला दो, तो पहला एस तीन पी आ गए, तो एस पी थ्री चार और डी टू ले लेते हैं, तो यहाँ जो संकरण होगा दैट इज एस पी थ्री डी टू संकरण। ठीक है, अब अगर एस पी थ्री डी टू संकरण है तो उसका ज्योमेट्री समझाओ। ठीक है, तो हम कहेंगे ओके आई एफ फाइव की बात चल रही है, आई एफ फाइव में आपने बोला कि भाई एस पी थ्री डी टू संकरण है। अब बच्चे छः का बेसिक ढांचा, तो जब हमने वेस्पर थियरी सीखा था विदाउट लोन पेयर अगर छः बॉन्ड सेट करने तो हम अष्टफलक बनाते थे, तो अभी भी हम अष्टफलक बनाएंगे। ठीक है, तो हम कहेंगे अष्टफलकीय ज्यामिति होनी चाहिए थी, लेकिन आपके पास छः बॉन्ड नहीं है बच्चे, दो तीन चार पाँच, ठीक है आपके पास तो पाँच ही बॉन्ड है। अब वापस हमारा बेंड थियरी कहता है कि अगर इस ज्योमेट्री में लोन पेयर है तो इसको या तो तल के ऊपर रखो या तल के नीचे रखो चलेगा, और आपके पास जो ज्योमेट्री है दैट इज लाइक दिस। तो अब तुम ध्यान से देखो, तुमने वर्ग बना दिया, ये ऐसे दिखता है एक्चुअली ऐसे होता है, भाई बोर्ड तो मैं ऐसे बनाऊंगी ना टूटी है, एक्चुअली तुम्हारी कॉपी है ना वो ऐसे, तो वर्ग तो बना दिया, एक चले गए ऊपर, तल के ऊपर ले लो चाहे नीचे ले लो उसको फर्क नहीं पड़ेगा, तो वर्ग और एक पिरामिड है ना, दूसरा तो काम नहीं आया, तो इस ज्यामिति का नाम है वर्गाकार एक पिरामिडीय। ठीक है भाई, तो ये हमारे पास हो गया वर्गाकार पिरामिडीय या वर्गाकार एक पिरामिडीय ज्यामिति। ठीक है, तो पिछली वाली थी हमारे पास कौन सी, टी शेप आई एफ थ्री में, इधर क्या है, तो हम कहेंगे वर्गाकार स्क्वायर प्लेनर या स्क्वायर पिरामिडल, स्क्वायर प्लेनर नहीं स्क्वायर पिरामिडल। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों आई एफ सेवन है ना, या ए एक्स सेवन प्रकार के अंतर हेलोजन यौगिक। ठीक है, अब ए एक्स सेवन इसमें हम ले लेते हैं उदाहरण, तो हम कहेंगे इसमें उदाहरण है आई एफ सेवन, चाहे आप ले लो सी एल एफ सेवन। ठीक है ना, वो सेवन है। अब आई कितने बंद बना रहा है, तो मैं कहूँगी आई तो पांच बंद बना, सॉरी सात बंद बना रहा है, और सात ही तो इलेक्ट्रॉन है इसके पास, भाई आई के पास बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो हेलोजन में बाह्यतम कोश में कितने होते हैं, तो हम कहेंगे हेलोजन में बाह्यतम कोश में कितने होते हैं, सात होते हैं। ठीक है, तो सात इलेक्ट्रॉन है ना, अब सात इलेक्ट्रॉन है तो सात बंद बना रहा है, तो ठीक है बॉन्ड पेयर, तो देखो सात फ्लोरीन के साथ अगर ये सात बंद बनाएगा तो यहां बना लेते हैं। ठीक है, तो अगर बॉन्ड पेयर सात है तो संकरण, तो हम कहेंगे भी संकरण में सात कक्षक भाग लेंगे, पहला कक्षक एस, फिर पी थ्री, फिर डी थ्री, तो एस पी थ्री डी थ्री संकरण। अब सात की ज्योमेट्री, तो सात में पंचभुज बना दो, पंचभुज में पांच हो जाते हैं, और दुई पिरामिड बना दो, एक पिरामिड तल के ऊपर, तो ये हो जाएगा पंचभुजीय और द्वि पिरामिडीय। क्लियर, तो सारे इंटर हेलोजन कंपाउंड की ज्योमेट्री आपको क्लियर हो गई। ए एक्स थ्री में आप लिखेंगे टी आकार का, ए एक्स फाइव में आप क्या लिखेंगे, तो आप लिखेंगे स्क्वायर पिरामिडल, और ए एक्स सेवन में आप लिखेंगे पेंटागोनल बाई पिरामिडल। अब आपके पास है कि इनको प्रिपेयर कैसे करना है, अंतर हेलोजन कंपाउंड को हम बनाएंगे कैसे, तो देखो दो अलग अलग हेलोजन है ना डायरेक्ट कंबाइन हो जाए, या अधिक क्रियाशील और कम क्रियाशील, ठीक है अधिक क्रियाशील और कम क्रियाशील हैलोजन, कम क्रियाशील हैलोजन के संयोग से अंतर हैलोजन यौगिक बनते हैं, तो हम कहेंगे ठीक है छोटा एटम मान लो बड़ा मान लो है ना, या एक लेस रिएक्टिव मान लो एक मोर रिएक्टिव मान लो, तो अंतर हैलोजन यौगिक बनते हैं, एक ज्यादा क्रियाशील होना चाहिए और एक तो हम कहेंगे कम क्रियाशील होना चाहिए। ठीक है, अब इसकी रिएक्शन करें,
तो देखो इसमें आपको डायरेक्ट याद करना है, डायरेक्ट इन द सेंस ऑफ डायरेक्ट लिखना ही, जैसे क्लोरीन प्लस फ्लोरीन, अब स्टेबल कंपाउंड हो ही गया सकता है, तो हम कहेंगे पॉसिबिलिटी CLF की है, ठीक है, तो क्लोरीन फ्लोराइड इंटरहेलोजन कंपाउंड है। सिमिलरली I2 और Cl2 मिक्स कर दो तो आंसर हो जाएगा ICl, ये आपका इंटरहेलोजन कंपाउंड है। Cl2 प्लस 3F2, तो पॉसिबिलिटी क्या है, तो हम कहेंगे यहाँ पॉसिबिलिटी है Cl F3 क्लोरीन ट्राई फ्लोराइड। ब्रोमीन प्लस 3F2, तो पॉसिबिलिटी क्या है, तो हम कहेंगे BrF3, ठीक है, तो ये इंटरहेलोजन कंपाउंड है, इनको हम इस तरीके से बना सकते हैं। सिमिलरली आयोडीन क्लोरीन, क्लोरीन ज़्यादा ले लो तो हम कहेंगे ICl3 भी बन सकता है, तो आयोडीन और क्लोरीन, तो यहाँ क्या बन जाएगा, तो बच्चे यहाँ ICl3 बन जाएगा। Br और F तो एक्सेस में लिया है, तो BrF5 बन जाएगा। तो भाई डायरेक्ट कॉम्बिनेशन से, है ना, दो अलग अलग हैलोजन के डायरेक्ट कॉम्बिनेशन से मिक्स करने पे, डाइल्यूट करके या हीट करने पे, ये आपस में रिएक्ट करके इंटरहैलोजन कंपाउंड बनते हैं। अब आपको ध्यान रखना है, इंटरहैलोजन कंपाउंड अंतर हैलोजन यौगिक हैलोजन से ज़्यादा क्रियाशील, क्यों, क्योंकि इनका बॉन्ड पोलर है, है ना, तो एक इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा है, दूसरा इलेक्ट्रोनेगेटिव कम है, तो बंध में क्या है, ध्रुवीयता है। सिर्फ एक फ्लोरीन छोड़ दो, क्योंकि फ्लोरीन की बंध वियोजन ऊर्जा जो है वो बहुत ही कम हो जाती है, इसके अलावा अंतर हैलोजन यौगिक बाकी हैलोजन के कंपैरेटिवली क्या होते हैं, ज़्यादा क्रियाशील होते हैं, बंध लंबाई भी ज़्यादा हो जाती है दूसरों के कंपैरेटिवली, और दूसरा तो हम कहेंगे इनका बंध ध्रुवीय है, पोलर है, इसलिए ये ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, ठीक है। अब इनके कैरेक्टर्स क्या है, तो बच्चे जितने भी इंटर हैलोजन कंपाउंड है ये सहसंयोजक है, प्रतिचुंबकीय है, CLF हमने पढ़ा था गैस है, इसके अलावा सारे के सारे वाष्पशील ठोस है, ये ज़्यादा क्रियाशील है क्योंकि एक्स एक्स डैश बंध, मतलब यहाँ हम कह सकते हैं हमने तो ए और एक्स पढ़ा है ना, तो ए एक्स बंध जो है वो हैलोजन के एक्स एक्स बंध से क्या है, तो वीक है, दुर्बल है, ठीक है, इसलिए जो है इंटर हैलोजन कंपाउंड ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, देखो अंतर हैलोजन यौगिक अगर हम जल अपघटन करेंगे तो जो छोटा हैलाइड है वो तो हैलोजन एसिड बनाएगा, और जो बड़ा हैलोजन है वो ऑक्सी अम्ल बनाएगा। लाइक अगर मैं तुम्हें कहूं कि भाई CLF जल अपघटन करो, तो आपको बताना है जो छोटा हैलोजन है, छोटा कौन है, फ्लोरीन, तो ये तो हैलोजन एसिड बनाएगा, और जो बड़ा हैलाइड आयन है ना, जो बड़ा वाला हैलोजन है, ठीक है, हैलाइड तो उसको बोलेंगे ना क्योंकि ज्यादा विद्युत ऋणी, तो जो बड़ा है वो अपना ऑक्सी एसिड, तो Cl का ऑक्सी एसिड क्या है, तो हम कहेंगे HOCl, ठीक है। कुछ और ले लो, कोई भी इंटरहैलोजन कंपाउंड ले लो, यानी कि मान लो मैंने ले लिया CLF3 जल अपघटन का, तो फिर वही देखना है, छोटा वाला तो हैलोजन अम्ल बनाएगा, यानी यहाँ तो HF बनेगा, और यहाँ क्या बनेगा, तो यहाँ पे तुम 3 ले लो तो ये अपना ऑक्सी एसिड बना देगा, लाइक HClO3 बना सकता है, आई बात समझ में, बैलेंस आप कर लेंगे ये इस तरह से। तो आपको ध्यान रखना है, जब भी इंटर हैलोजन कंपाउंड हो AX प्रकार के यौगिक हो, तो एक्स छोटा है ना, तो जब हम इसका जल अपघटन करेंगे तो बच्चों एक्स से तो HX बनेगा और ए से उसका ऑक्सी अम्ल बनेगा, बस इतनी सी बात करनी है, ठीक है। तो यहाँ आपका कंप्लीट हो गया इंटर हैलोजन कंपाउंड, ज्योमेट्री आपको सबकी याद है, आपको गए वेस्पर थियरी के हिसाब से BrF5 की ज्योमेट्री बता दो, है ना, या BrCl3 की बता दो, तो तुम किसी की भी बता सकते हो, ठीक है। अगर AX3 है तो तुम कहोगे इसको मैं बता दूंगा ये है टी शेप, ठीक है। अगर बच्चे AX5 है तो तुम्हें बताना है वर्गाकार पिरामिडिया, ठीक है, वर्गाकार पिरामिडिया। और अगर AX7 है तब तो कोई टेंशन ही नहीं, तो आप कहेंगे अच्छा यहाँ ज्योमेट्री बैठेगी पंचभुजीय द्विपिरामिडल, बस ठीक है, पेंटागोनल बाई पिरामिडल। तो यहाँ कंप्लीट हो जाता है आपका इंटर हैलोजन कंपाउंड। इसके बाद आता है हमारे पास नेक्स्ट ग्रुप, एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 18, इनर्ट गैस अक्रिय गैस, जिसको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, तो लास्ट क्लास में चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।